हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू स्वागत करती हूँ आप सभी का माय किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा। पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए पोहा। ये पोहा दो तरह का होता है, एक जो ढील मतलब पतला होता है और एक जो टाइट होता है। ये टाइट वाला पोहा है, ये देखिए। प्याज, मूंगफली, हरा धनिया, गाजर, आलू और हरी मिर्च, ये सब देखिए फ्रेंड्स कितना बारीक कटा हुआ है। कढ़ाई गरम हो चुकी है, इसमें डालेंगे जीरा, हरी मिर्च, मूंगफली, प्याज, कुछ देर प्याज को भूंजेंगे और बादाम को भी। ये तो मूंगफली है और प्याज हल्का भून जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी आलू और गाजर। जब तक मेरा प्याज भून रहा है तब तक मैं इसमें डालूंगी पानी। इसको दो पानी से धो लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसमें गंदगी निकल जाए। प्याज और मूंगफली के भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आलू, गाजर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पोहे निकाल दिए। इस तरह से कितना खिला खिला है अभी मेरा पोहा। इसमें डालूंगी नमक, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब इसको ढक देंगे एकदम लो फ्लेम पे ताकि ये है पक जाए। देखिए आलू, गाजर, प्याज सभी पक चुके हैं, मूंगफली भी पक चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी पोहा। ये फ्रेंड्स कितना बढ़िया खिला खिला सा पोहा बना हुआ है। इसमें जाएगा हरा धनिया और ये नींबू, नींबू का ये जो बीज है सभी निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें निचोड़ेंगे। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये मेरा पोहा बिल्कुल खिला हुआ तैयार हो गया खाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया पोहा तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी पोहा बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।